आज हम बिहार बोर्ड के क्लास 10 के साइंस विषय के मॉडल सेट नंबर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। टोटल 3 मॉडल सेट है, हमने 2 डाल दिए हैं और ये पहला है। तीनों आप लोग याद कर लीजिए, 100% नंबर आएंगे। तो टोटल 40 ऑब्जेक्टिव है, उसको याद करेंगे। देखिए, पहला है अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से निकट दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से निकट दृष्टि दोष होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से निकट दृष्टि दोष होता है। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पथन अर्थात शॉर्ट सर्किट। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पथन के समय विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? बी नंबर, IR² विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। IR² विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। पक्षावी मांसपेशियों द्वारा अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। पक्षावी मांसपेशियों द्वारा अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? विद्युत बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। एक साधारण प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है? एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है कि समतल दर्पण में? समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है? सामान्य नेत्र अधिकतम अनंत दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। सामान्य नेत्र अधिकतम अनंत दूरी की वस्तुओं को देख सकता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का SI मात्रक प्रति मीटर है, अर्थात मीटर पर पावर -1। लेंस की क्षमता का SI मात्रक मीटर पर पावर -1। लेंस की क्षमता का SI मात्रक मीटर पर पावर -1। अब देखिए, केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया। अभिक्रिया CuO+H2 देता है Cu+H2O। इसमें हाइड्रोजन का उपचयन होता है। इसमें हाइड्रोजन का उपचयन होता है, अर्थात हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल गया। जो ऑक्सीजन के साथ मिल जाए, इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज होता है। यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है। सोडियम की संयोजकता क्या है? सोडियम की संयोजकता 1 होती है। सोडियम की संयोजकता 1 होती है। सोडियम की संयोजकता 1 होती है।
एल्केन का सामान्य सूत्र है, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, आवर्त सारणी में 18 वर्ग है, आवर्त सारणी में 18 वर्ग है। कौन सा उपधातु विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट उपधातु अधातु विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट अधातु विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट अधातु विद्युत का सुचालक होता है। कार्बन क्या है, कार्बन अधातु है, कार्बन अधातु है, कार्बन अधातु है। निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है, देखिए एस्टिक एसिड CH3COOH जो है दुर्बल अम्ल है, CH3COOH दुर्बल अम्ल है। सोडियम की परमाणु संख्या क्या है, सोडियम की परमाणु संख्या 19 है, सोडियम की परमाणु संख्या 19 है। निम्न में कौन बायोगैस है, निम्न में से CH4 मीथेन बायोगैस है, मीथेन मुख्यतः बायोगैस है, मीथेन मुख्यतः बायोगैस है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl है जिसे रसायन सोडियम क्लोराइड कहते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। देखिए कौन शून्य वर्ग का तत्व है, हीलियम शून्य वर्ग का तत्व है, हीलियम शून्य वर्ग का तत्व है, हीलियम शून्य वर्ग का तत्व है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण पौधे करते हैं उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जल क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश ये सभी आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जल क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश ये सभी चीज़ें आवश्यक है। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, पत्ती, पत्ती जो है प्रकाश संश्लेषी अंग है, पत्ती प्रकाश संश्लेषी अंग है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है जिसे अंग्रेजी में लीवर कहते हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। पादम में जाइलम के लिए उत्तरदायी होता है, जल के वाहन के लिए, जाइलम जल के वाहन के लिए उत्तरदायी होता है, जाइलम जल के वाहन के लिए उत्तरदायी होता है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन विसरण द्वारा होता है, एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन विसरण द्वारा होता है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 होती है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 होती है। निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, एमिनो अम्ल के विखंडन से CO तथा NH3 बनता है, एमिनो अम्ल के विखंडन से CO तथा NH3 बनता है। ऑक्सिन है, ऑक्सिन एक हार्मोन है, ऑक्सिन एक हार्मोन है, ऑक्सिन एक हार्मोन है, ऑक्सिन एक हार्मोन है, एक नर हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है। इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है, विखंडन मुकुलन द्विखंडन ये सभी अलैंगिक जनन की विधि है, विखंडन मुकुलन और द्विखंडन ये सभी अलैंगिक जनन की विधि है। पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में परागकण होते हैं, पराग कोश में परागकण होते हैं, पराग कोश में परागकण होते हैं। अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है DNA अणुओं में, अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है DNA अणुओं में, अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है DNA अणुओं में। किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। हाइड्रिला पौधों में रंगड़ कहाँ पाए जाते हैं, इनमें से कोई नहीं, हाइड्रिला पौधों में रंगड़ कहाँ पाए जाते हैं, इनमें से कोई नहीं।